गांधी ने अमेरिकी दौरे के दौरान विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। विपक्षी गठजोड़ के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी है। राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के दौरान विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्षी क्षमता पर भरोसा जताया है। ऑन मल्टीपल एक्सिस देयर इज अ क्लैंप डाउन ऑन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट अलाउड इंडिया टू टॉक दैट अलाउड द इंडियन पीपल टू negotiate. I view India as a negotiation between its people, between different languages, different cultures, different histories. And the architecture that Mahatma Gandhi set up was to allow that negotiation to be carried out fairly and freely. And that structure that allows the negotiation between India's people is coming under pressure. राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले आम चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, नतीजे लोगों को चौंका देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि बस आप कैलकुलेट करें, एकजुट विपक्ष अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ नियमित बातचीत कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा है कि विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से एकजुट है, हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ काफी अच्छा काम हो रहा है। ये एक जटिल चर्चा है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ हम उन दलों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि विपक्ष का महागठबंधन होगा। इसी के साथ अपने बयान में राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि भारत में लोकतंत्र का होना दुनिया के हित में है और अगर भारतीय लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और वो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भारत को वो करना चाहिए जो उसके हित में है। जिस तरीके से निरंकुश विजन को प्रमोट किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।